बैंकॉक से जा रहा हूँ मैं फुकेट के लिए इस बस के थ्रू इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा लगेज है और अगर मैं फ्लाइट से जाता तो अच्छा खासा खर्च हो जाता और बस बहुत शानदार है। तो चलते हैं बस के थ्रू फुकेट तक और फिर एक्सप्लोर करते हैं फुकेट। बैंकॉक से फुकेट का लगभग 830 किलोमीटर का सफर इस लग्जरी बस में आप केवल 14 से 15 घंटे में तय कर लेते हैं और ये बस आपको मिलती है बैंकॉक के साइताई बस टर्मिनल से, जिसे साउथर्न बस टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं, जिसका टिकट भी आपको यही मिल जाता है, जिसे आप कम से कम एक दो दिन एडवांस में आकर बुक कर लें। फुकेट के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ से टिकट और 830 बात में एक पर्सन का टिकट है और यहाँ से शाम को 7 बजे चलेगी और सुबह 7:30 बजे के करीब पहुँचा देगी और पासपोर्ट आप लेकर यहाँ पर जरूर आए। वैसे समय बचाना है तो आप फ्लाइट से भी बैंकॉक टू फुकेट जा सकते हैं जो कि 5 से 6 हजार तक की पड़ सकती है। सुबह लगभग 10 बजे मैं फुकेट की बस टर्मिनल पहुंच गया। फुकेट में जो बस आपको ड्रॉप करती है वो ड्रॉप करती है फुकेट बस टर्मिनल 2 पर और यहाँ से अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो जनरली लोग लेते हैं पटोंग बीच के आसपास होटल और वहीं बेस्ट लोकेशन है होटल के लिए, मैंने भी वहीं पर लिया है। अब वहाँ तक जाने के लिए क्या ऑप्शन है, वहाँ तक जाने के लिए 2 ऑप्शन है, पहला तो आप सीधा टैक्सी कर लें और दूसरा बताता हूँ। पहला टैक्सी है, टैक्सी के थ्रू आपको लगभग 500 से 600 बात देने पड़ेंगे, जबकि अगर आप सस्ते में जाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है, मेरे बैक साइड में ये पीछे बस दिख रही है इससे आप जा सकते हैं। इससे आप डायरेक्टली आपको नहीं पहुंच पाएंगे, पहले आपको यहाँ से डाउनटाउन जाना पड़ेगा, फिर डाउनटाउन से आपको सेम ऐसी ही बस पकड़नी होगी और उससे आप जा पाएंगे। कितना पैसा लगता है इसका, कितना किराया लगता है, लेकिन बहुत सेविंग हो जाएगी वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। और बाकी टैक्सी, 4 लोग हैं तो मेरे हिसाब से आपको टैक्सी कर लेनी चाहिए और लगेज वगैरह भी होता है तो आसानी होगी क्योंकि आप छुट्टियों पे आ रहे हैं हॉलीडे पर मेरे लिए फिलहाल यही कन्वीनियंट ऑप्शन है। इस शेयरिंग बस के थ्रू आप केवल 55 बात यानी कि 140 रुपए में ही पटोंग बीच तक पहुंच जाते हैं, हालांकि इसमें 2 घंटे तक का समय लग जाता है। पर अब मैं रेडी होकर निकलने वाला था फुकेट के पटोंग बीच पर। फुकेट का सबसे पॉपुलर बीच है पटोंग बीच और पटोंग बीच ये रहा, बहुत बड़ा सा ये बीच है और लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, कुछ डांस कर रहे हैं, कुछ शांति से बैठे हुए हैं, तो कुछ यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं और ये मतलब यहाँ का परफेक्ट बीच है आपका, मतलब यहाँ पर मोमेंट क्रिएट हो जाएगा बस शांति से बैठे इवनिंग के टाइम में, क्योंकि इवनिंग में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, धूप होती है दिन में तो लोग इवनिंग में आना ही प्रेफर करते हैं और यहाँ से बढ़िया सा सनसेट का व्यू देखते हैं। थाईलैंड में एक सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है सोंगकान फेस्टिवल, जो होली जैसा ही होता है, बस इसमें कलर्स नहीं खेले जाते हैं। और अप्रैल में अगर आप आ रहे हैं तो इसको भी भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। फुकेट का मैं आपको रूम दिखाता हूँ अपना, यहाँ पर आते हैं, ये रहा मेरा रूम, डबल बेड रूम है और बाकी जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है वो यहाँ पर है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा ये बट बालकनी भी दिख जाएगी। और ओवरऑल अब रूम का क्या खर्चा वगैरह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर वॉशरूम भी दिखाता हूँ, ये रहा वॉशरूम, ठीक ठाक सा है रूम और बाकी स्पेस भी इनफ है। और ये जो लोकेशन है, लोकेशन भी जो फुकेट का पटोंग बीच है उससे मात्र 0.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। ये बुकिंग के लिए मैंने टूर्स क्रिएटर्स की हेल्प ली थी और उन्होंने ये बुकिंग की और काफ़ी अच्छा स्टे रहा ये। और बाकी आप भी बुकिंग कर सकते हैं, पैकेज वगैरह लेना है उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दे दी है। वैसे जनरली ये जो रूम्स मिलते हैं ये आपको मिल जाएंगे अराउंड 2000 रुपये के आसपास में मिल जाएंगे, इससे सस्ते रूम भी अवेलेबल होते हैं लेकिन ब्रेकफास्ट वगैरह आप इंक्लूड कराएंगे तो 2000 से ज़्यादा ये बढ़ेगा, पर इस रेंज में आपको होटल्स वगैरह मिल जाते हैं, बाकी आपकी मर्जी कैसा आप लेना चाहते हैं। आज मैं जाने वाला था फिफी आइलैंड के लिए, जो फुकेट से जाने वाली टॉप डे ट्रिप है और इसको मैं करने वाला था डिस्कवर थाईलैंड के थ्रू,
जिसमें सबसे पहले होता है गाइडेंस सेशन और फिर चढ़ते हैं स्पीड बोट पर। फिफी आइलैंड के इस डे टूर के लिए अब बोट चल चुकी है और ये जो यहाँ पर जेटी थी उससे निकल चुके हैं। बाकी इस तरह की कुछ बोट है, ये स्पीड बोट है, अभी पूरी फुल ही है और फुल ही रहेगी क्योंकि पूरे दिन का टूर होता है और सारे ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या एक्टिविटी होगी और कितना टाइम लगता है, प्राइस, हर कुछ आगे जानेंगे। सबसे पहले आ चुके हैं वाइकिंग आइलैंड की तरफ और ये यहाँ पर आप कलर्स देखो, क्रिस्टल क्लियर वाटर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और बड़े बड़े जो रॉक्स दिखते हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है व्यू और यहाँ पर फोटोज़ वगैरह सब खूब क्लिक करवाते हैं और उसके लिए 300 बात अलग से बहुत लोग पे करते हैं, लॉन्ग टेल बोट के साथ खिंचवाते हैं। अगर बैक साइड में देखेंगे मतलब बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत प्यारा लगेगा यहाँ पर और पीछे बहुत सारी बोट है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, चलते हैं और आगे। और यहाँ पहुँच के लगता है कि आप उस रियल थाईलैंड में आ गए हैं जिसकी पिक्चर्स हम इंस्टा या गूगल पर देखा करते हैं। जो सबसे पहली एक्टिविटी यहाँ पर होती है वो होती है ये, आपके सामने है, आपको लाइफ जैकेट मिल जाता है और बस पानी में छोड़ दिया जाता है, आप आराम से यहाँ पर बस इस पानी में स्विमिंग कर सकते हो। जिनको नहीं आती उनको, जिनको नहीं, हाँ जिनको नहीं आती उनको ट्यूब मिल जाती है, ट्यूब के साथ आप कर सकते हो। बहुत ही मतलब यहाँ पे ये सब आप देखेंगे ऊँची ऊँची रॉक्स के बीच, मज़ा बहुत आता है। हेलो, कैसा लग रहा है? अमेजिंग। कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। ओह, दिल्ली से, बढ़िया। हाय, YouTube का चैनल बता दो यार। वीडियो तो देख लेंगे। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन। डिस्टेंस? बिटवीन। जो अभी है हमारे और आपके बीच में। कम कर दें। और इतना ही नहीं, आप यहाँ केकिंग एक्टिविटी को भी एंजॉय कर सकते हैं या यू कहें तो थोड़ी सी नौकायन। इस खूबसूरत से वाइकिंग आइलैंड पर थोड़ा सा मजेदार वक्त गुजार कर अब हमारी बोट निकल पड़ी माया बे के लिए। अब उतर रहे हैं माया बे पर और माया बे का पहला नजर में जो व्यू दिखता है वो मैं दिखा देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे आप आराम से, ये बीच नहीं है कोई, इस तरह से बना हुआ है और इसी पर आप उतरते हैं और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाते हैं। 12:30 तक का टाइम मिला है, यहाँ वापस बोट पर आना है, बोट आपको ड्रॉप करके आगे चली जाती है। माया बे आइलैंड के अंदर आते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी फॉरेस्ट में आ गए। वैसे ये यहाँ का फॉरेस्ट ही था लेकिन इस फॉरेस्ट में सुकून देने वाला बीच भी था जहाँ करने को केवल एक काम था, थोड़ी फोटोग्राफी और थोड़ी मस्ती। तो 3 मिनट की वॉक करके आ गया हूँ मैं इस बीच पर जिसका नाम है माया बे बीच। ये बहुत प्यारा आइलैंड है और आइलैंड के अंदर थोड़ा सा आपको विचरण करने का मौका मिलता है और फिर उसके बाद यहाँ पे पहुँचते हैं। धूप बहुत तेज है तो सनग्लासेस रखें, अम्ब्रेला रखें, हैट रखें और बाकी यहाँ नहा नहीं सकते हैं आप और यहाँ पे बस फोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। टाइम आपको केवल 20 मिनट से 25 मिनट का मिलता है, तो जल्दी जल्दी यहाँ पर थोड़ा एक्टिविटी करके बस निकलना होता है। माया बे से अब सीधे जाने वाले थे फिफी आइलैंड के लिए जहाँ करने वाले थे लंच, लेकिन मुझे तो लेना था यहाँ का जबरदस्त वाला ड्रोन शॉट। अब मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप थाईलैंड आ रहे हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा लंबा ज़रूर होगा ये इन्फॉर्मेशन, पर जानिए ज़रूर।
ये है थाई करेंसी और यहाँ पर कौन सी करेंसी चलती है और वैल्यू क्या होती है पूरी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ आपको और नोट्स भी दिखाता हूँ। यहाँ पर थाई करेंसी चलती है, मतलब थाई बात बोलते हैं उसको बेसिकली, और ये नोट्स हैं और एक थाई बात के लिए आपको लगभग 2.5 रुपये देने पड़ते हैं, यानी कि आप 2,500 रुपये देंगे तो आपको 1,000 थाई बात मिलेगा। BHT इसकी स्पेलिंग होती है। अब करेंसी आपको दिखा देता हूँ, सबसे छोटी जो करेंसी होती है वो होती है ये 20 की नोट, मतलब ये लगभग 50 रुपये है, इंडियन रुपीज़ में ये 50 रुपये है। उसी तरह ये दूसरी करेंसी है थाई बात 50, ये 50 थाई बात है, और ये जो सबसे ज़्यादा आपके हाथ में यहाँ पर नोट आएगी वो ये आएगी और 20 वाली आएगी, ये 100 थाई बात है और ये है 500 थाई बात, और साथ ही ये है यहाँ की सबसे बड़ी करेंसी 1,000 थाई बात, यानी कि इसके लिए आपको इस नोट के लिए 2,500 रुपये देने पड़ेंगे। आप इंडिया से भी एक्सचेंज करा सकते हैं, यहाँ पे भी करा सकते हैं, उसके लिए आगे डिटेल मैं दे दूँगा। बाकी नोट्स को अच्छे से पहचान लें, ऐसा ना हो कि आपके साथ चीटिंग हो यहाँ पे, ऐसा ना हो कि आप जो भी एक्सचेंज काउंटर पे जाएं वो ऑथराइज हो वैसे ही जाएं, कोई भी अननेसेसरी ना चले जाएं कि नकली नोट या फिर कुछ ऐसा फंस जाएं। बाकी ये नोट्स हैं और ये आप यहाँ पे इनफ कैरी करके रखें ताकि आप यहाँ पर इसी में जो भी ट्रेड करेंगे इसी में करेंगे और जो भी खर्चे करेंगे इसी में करेंगे और यही है, तो इसको संभाल कर रखें और अच्छे से जान लें। खाने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से हैं, राइस है यहाँ पर और ये आलू की सब्जी है और ये बाकी एक दो सब्जी और है मिक्स वेज टाइप की, अपने टाइप की नहीं बनी है, तो खाने से मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ या फिर नहीं ही संतुष्ट हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पे वाटरमेलन मिल जाएगा, मतलब एक फ्रूट मिल जाएगी, टी कॉफ़ी मिल जाएगी, इतना ही होता है, रोटी वोटी तो एक्सपेक्ट ही ना करें, तो खाना बहुत अच्छा नहीं होगा, बस पेट भर जाएगा आपका, दैट्स इट। फीफी आइलैंड में आप स्टे भी कर सकते हैं और यहाँ के लिए फुकेट से चलने वाली स्पीड बोट की टाइमिंग्स भी आप यहाँ देख सकते हैं। फीफी आइलैंड से विदा लेकर अब पहुँचने वाला था पास के ही मंकी आइलैंड पर। अब उतर चुका हूँ मैं मंकी आइलैंड पर और पीछे मेरे एक दो मंकी ही दिख रहे हैं, हालांकि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आए दिन मेरे घर की छत पर ही आ जाता है मंकी, पर यहाँ पर ये आइलैंड पर और ये नीले समुंदर में लोगों को देखने के लिए थोड़ा सा ये आकर्षित कर रहा है। बाकी मुझे इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये आइलैंड जहाँ पर ये एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है और यहाँ पे बढ़िया धूप भी नहीं आ रही है, तो आराम से आप खड़े हो सकते हैं और आपको यहाँ पे भी 10 मिनट का समय मिल जाता है। और आइलैंड के बाद नंबर था स्नॉर्कलिंग। माया बे के बाद बारी होती है स्नॉर्कलिंग की और ये भी इंक्लूडेड होता है इसमें। अगर आप स्कूबा करना चाहते हैं तो आपको 1800 बात पर पर्सन, यानी कि लगभग आपको 4 से 4,500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो मैं तो नहीं दे रहा हूँ फिलहाल, ये जो इंक्लूडेड एक्टिविटी है ये कर रहा हूँ, बाकी पूरे इस ट्रिप की क्या एक्टिविटी के चार्जेस हैं वो भी मैं बताऊँगा। पूछ चुका हूँ मैं अंदर, अब जाने वाला हूँ नीचे जल्दी ही और नीचे की दुनिया देखेंगे। यहाँ पर ज्यादा मछलियों से तो मेल मिलाप नहीं हुआ, लेकिन यहाँ कोरल्स काफी बढ़िया से दिख रहे थे। हालांकि टाइड्स या वेव की डायरेक्शन की वजह से आपको फिशेस कभी दिख भी सकते हैं तो कभी नहीं। ये बिखरे बाल लेके मैं उतर चुका हूँ थाई आइलैंड पर और ये आज का लास्ट पॉइंट है, लेकिन ये सबसे अलग है। यहाँ पे पूरा आपको बीच वाली वाइब मिल जाएंगी, एकदम वाइट सैंड बीच है, क्राउडेड है, पर यहाँ पर आराम से आप 1 घंटे का टाइम मिलता है चिल कर सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं थोड़े शॉर्ट्स यहाँ के भी लेते हैं ड्रोन वाले। और ये वो आइलैंड था जहाँ पर मिलती है बीच वाली टूरी। फुकेट में मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में आया हूँ जिसका नाम है स्पाइस एंड हर्ब रेस्टोरेंट और यहाँ पर मैंने थाली मंगाई है लगभग 200 बात की, यानी कि लगभग 500 रुपए की थाली है और थाली कुछ ऐसी है।
बैंकॉक में मैंने जो थाली ली थी उससे ये काफ़ी छोटी है, क्योंकि इसमें केवल आपको दिख रही होगी रोटी और यहाँ पे एक सब्जी था इतना ही, पर क्वांटिटी काफ़ी इसमें कम दिख रही है। तो क्वांटिटी वाइज मुझे लगता है और कोई देखना पड़ेगा बेटर रेस्टोरेंट जहाँ पर मुझे खाने के लिए अच्छी क्वांटिटी मिल सके और प्राइस भी यही हो, क्योंकि 200 बात में जनरली सब जगह थाली मिल जाती है पर क्वांटिटी बेटर होती है, पर इसमें कम है, काफ़ी कम है। तो आज की इस पूरी डे ट्रिप में आपका क्या चार्ज लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरी डे ट्रिप स्टार्ट होती है आपके फुकट से और आपके होटल से पिकअप किया जाता है और होटल तक ड्रॉप किया जाता है, और इसमें आपको स्नॉकलिंग की एक्टिविटी दी जाती है, लंच होता है, इवन ब्रेकफास्ट भी थोड़ा सा मिल जाता है, थोड़े चाय नाश्ता टाइप का स्नैक्स वगैरह, तो ये सब हो जाता है। और इसके अलावा आपको आइलैंड विजिट कुछ कराए जाते हैं साइट सीन, ये पूरे दिन के ट्रिप में मतलब सुबह 8 बजे से लेके आपको शाम को 6 बजे तक ड्रॉप करते हैं। चार्ज जो लगता है वो लगता है अराउंड 1800 baht। हालांकि ये ऊपर या नीचे होता है, जिनसे मैंने बुकिंग कराई है उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल दे रखी है। तब आपको लगभग 4500 rupees के आसपास पड़ सकती है और मज़ेदार है, इसको मिस ना करें। और जो भी फुकेट आता है भाई फिफी आइलैंड वगैरह की ट्रिप तो करता ही, और पहली बार आ रहे हैं तो इस ट्रिप को तो बिल्कुल मिस ना करें, मज़ा आएगा, पैसा वसूल ये पूरी तरह से आपके लिए रहेगा। थाईलैंड की इस सीरीज में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में फुकेट से जेम्स बॉन्ड आइलैंड की ट्रिप पर ले जाऊंगा, और आगे आने वाले पार्ट्स में हम क्राबी और पटाया भी जाएंगे और जानेंगे कंप्लीट आइटनरी और बजट। तो पूरी जानकारी के लिए थाईलैंड की इस सीरीज में बने रहे और वीडियो को लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।